हेलो फ्रेंड्स, मु नरसिंह। मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम एही वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जनरल साइंस करंट अफेयर्स एवं रीजनिंग क्वेश्चन जहाँ कि आपण मानर आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप बी एग्जाम 2020 पई मोस्ट हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स, ये होचे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। एथिरे 30टी क्वेश्चन नेकि आसे आपण माने आउट ऑफ 30 केते मार्क रखुचंदी, 30 रु केते मार्क रखुचंदी, निहति भाई कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे। जदि वीडियो भल लागे ताहा निहति भाई कृपया सांगे साथ मानको अधिक मात्रा रे शेयर करिवे। तो देखो, तो प्रथम क्वेश्चन रही आपण मानी, फर्स्ट क्वेश्चन रही, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। तो इंटरपोल रो हेड क्वार्टर केउठार अवस्थित, इंटरपोल रो मुख्यालय केउठार अवस्थित। चार ऑप्शन रही, पेरिस, लंडन, लियोन, ब्रसेल्स। तो आपण मैंने करेक्ट आंसर कौन हो, तो आप करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोन। फ्रांस रो लियोन ठारे इंटरपोल रो हेड क्वार्टर अवस्थित। करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर सी। जो माने सी टिक करछन्ती एक मार्क एड करिनेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची, व्हिच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर नाइट स्काई। आमर जो रात्रि जो आकाश देखा जाए, आमर रात्रि आकाश रे सबुठारु उज्ज्वलतम स्टार को कौन कहा जाए, उज्ज्वलतम नक्षत्र को कौन कहा जाए। चारिटा ऑप्शन रही, कानोपस, सीरियस ए, वेगा, स्पाइका। तो देखु, रात्रि आकाश में देखा, तो रात्रि आकाश में देखा जा सबुठारु उज्ज्वलतम नक्षत्र होची ऑप्शन नंबर बी, सीरियस ए। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने बी टिक करते एक मार्क एड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखो, ये चारिटा पर्सन देखते किए एम ग्रुप मधर अलग रही, यहाँ हूँ अपना रिजनिंग क्वेश्चन, यहाँ रिजनिंग क्वेश्चन। तो देखते ये अपना कौन रही, ना अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आइनस्टाइन, आउ थोमास एडिसन, विराट कोहली। तो कौन अलग रही, तो देखते ग्राहम बेल, आइनस्टाइन, एडिसन, ए तीन जन होंगे साइंटिस्ट, ए तीन जन गोटे कैटेगरी गले, कितु विराट कोहली अलग हो गला, ये हूँ जन क्रिकेटर। तो आपने करेक्ट आंसर जीव विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, ये हूँ अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप सॉरी ये आंसर शो हो गला, ये भी आपर गोटाए रही आपर, ये भी रिजनिंग क्वेश्चन। तो ये कौन पचार चिकन पॉक्स, रुबेला, फ्लू, मेनिंगटस। तो ए भितर कौटा ऑड रही, फाइंड द ऑड वन, ए भितर कौटा गोटे अलग रही। तो देखो आप मुझे करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी, मेनिंगटस। करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, मेनिंगटस। कम पे है ये आप जानतु, यार आंसर शो होगा मुझे जल्दी कहीदेली। तो देखो, चिकन पॉक्स, रुबेला, फ्लू, ए तीन टा होची वायरस द्वारा होची, वायरस बा भूताणु द्वारा होची, किंतु मेनिंगटस रही आपण मन कौन बैक्टीरिया द्वारा होची, बैक्टीरिया। तो आपण मन एटा अलग हो जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड, माने क्यों वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जातीयकरण होई छि, 69 रे, ना 47 रे, ना 49 रे, ना 74 रे। तो आपण मन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1949 रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा नेशनलाइजेशन होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, माने केबे विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए। चार ऑप्शन रही, फेब्रुआरी 28, मे 16, जून 5, सेप्टेम्बर 12। तो देखु, विश्व परिवेश दिवस के पालन करा जाए, करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, जून 5। 5 जून को प्रतिवर्ष, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी क्या कहा जाए, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफर खान, बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को फ्रंटियर गांधी कहा जाए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द आइलैंड ऑफ सिसिल्स लोकेटेड। तो सिसिल्स द्वीपपुंज केउठारे अवस्थित, कौ महासागर में अवस्थित, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आटलांटिक ओशियन, द सदर्न ओशियन।
कौन कह भारत महासागर प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर आउ दक्षिण महासागर कौ महासागर रे सिचिल्स द्वीपपुंज अवस्थित तो आपण मैंने करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन रे सिचिल्स आइलैंड अवस्थित करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट माने क्यों मीडिया रे साउंडटा तीव्र गति रे यात्रा करे खूब स्पीड रे गति करे तो देखो गैस ना वैक्यूम ना लिक्विड ना सॉलिड तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सॉलिड। सॉलिड रे आमर जो साउंडटा तीव्र गति रे गति करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रानाइट इज एन एग्जांपल ऑफ डेस ग्रानाइटटा गोटे कहार उदाहरण तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ना सेडिमेंटेड रॉक्स ना इग्नेस रॉक्स ना आर्टिफिशियल स्टोन तो ग्रानाइट गोटाए कार उदाहरण ना इग्नेस रॉक रो उदाहरण होची ग्रानाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्वेश्चन रही विच इकोनॉमिस्ट हैज बीन सिलेक्टेड द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज 2020 बाय जर्मन बुक ट्रेड तो देखु रिसेंटली जर्मन बुक ट्रेड द्वारा 2020 रो प्रतिष्ठित पीस प्राइज रे कहा कु केउ अर्थनीतिज्ञ को सिलेक्शन करा जाय छी तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री तो वर्तमान भारतर सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किए अछंती चारिटा ऑप्शन रही तुषार मेहता अजय बंगा स्मृति ईरानी गिरीश चंद्र मुर्मू तो आपण मैंने करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिरीश चंद्र मुर्मू जी कि ओडिशार वर्तमान रिसेंटली आम इंडिया रो नुआ सीएजी बनी छंती करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये होती है लाटेस्ट करंट अफेयर्स तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ वर्तमान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रो डायरेक्टर जनरल किए अच्छा चार ऑप्शन रही आनंद प्रकाश महेश्वरी सचिन बंसल किशान शर्मा अजय भूषण पांडे तो कौन हम करेक्ट आंसर तो आप करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एपी महेश्वरी होती वर्तमान सीआरपीएफ रो डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी द न्यू सीईओ ऑफ इंडियन रेलवेज तो वर्तमान इंडियन रेलवे बोर्ड रो नुआ सीईओ किए निजुक्ति हेले तो चार ऑप्शन रही हेमंत खत्री पीयूष गोयल पीसी मोदी वीके यादव तो करेक्ट आंसर होची आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी वीके यादव विनोद कुमार यादव वर्तमान इंडियन रेलवे बा रेल बोर्ड रो सीईओ बनिले या पूर्व से चेयरमैन थिले तो वर्तमान इंडियन रेलवे रो चेयरमैन किए अछंती ना वीके यादव आ सीईओ किए अछंती वीके यादव दीटा को चेयरमैन एवं सीईओ दीटा जग पदवी रे वीके यादव अछंती करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियस एंबेसडर टू इटाली तो देखंतु इटाली पई इंडिया रो राष्ट्रदूत रूपे किए नियुक्ति पाइछंती राजीव कुमार डॉक्टर नीना मल्होत्रा दीपक मित्तल उषा पाढ़ी तो कौन हम करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर है आप ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नीना मल्होत्रा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जो मैंने बी टिक कर एक मार्क एड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री निम्नलिखित मधुर कौटा गोटे लैंड लॉक्ड कंट्री अटे चार ऑप्शन रही अजरबैजान कजाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान होची गोटे लैंड लॉक्ड कंट्री तो देखो आउ गए आप नेपाल गोटे लैंड लॉक्ड कंट्री भूटान गोटे लैंड लॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान ये सब गोटे लैंड लॉक्ड कंट्री तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट तो इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद अपर हाउस क्या कहुए सुप्रीम कोर्ट ना पीएमओ ना राज्यसभा ना लोकसभा तो आपण मैंने करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी राज्यसभा। राज्यसभा हूँ आपण मानक इंडियन पार्लियामेंट रो अपर हाउस आ लोअर हाउस हूँ लोकसभा यहाँ मन रखुद ये अपर हाउस पचार तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी तो ये लोअर हाउस पचारिपे इंडियन पार्लियामेंट रो तो आप मन रखुदूँ लोअर हाउस हूँ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन आंसर शो होगा हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर तो देखो मुगल साम्राज्य शेष सम्राट बा शासक किए मुगल साम्राज्य शेष शासक किए बाबर जहांगीर अकबर बहादुर शाह
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। तो बहादुर शाह होती मोगल साम्राज्यर शेष सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वाज पेपर इन्वेंटेड। तो पेपर को कौठारे उद्भावन करा जायतिला चाइना इंडिया जाम्बिया जर्मनी। तो पेपर को कौटी उद्भावन करा जायतिला चाइनारे उद्भावन करा जायतिला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेपर को चाइनारे उद्भावन करा जायतिला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी सो हो गला व्हिच रिवोल्यूशनरी टुक हिज ओन लाइफ। माने कौ स्वाधीनता संग्रामी निज जीवन को से निजे नहीं थिले बा निजे निज को मारी थिले। तो चार ऑप्शन रहे खुदराम बोस रास बिहारी बोस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद निज जीवन को निजे मारी थिले कहीं जितेबले ब्रिटिश शासन चलता से पुलिस मैंने चारिपटू घेरई थिले तो से सरेंडर करने को चाहूनु थिले से निजे को निजे खुदकुशी करी थिले बा आत्महत्या निजे ही निज को गोली मारी थिले। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजिल। ब्राजिल रो ऑफिशियल लैंग्वेज कोटा पोर्तुगीज जर्मन इटालियन ब्राजिलियन। तो देखो ब्राजिल रो ऑफिशियल लैंग्वेज होची पोर्तुगीज। ब्राजिल रो ऑफिशियल लैंग्वेज होची पोर्तुगीज माने रखो तो इटा इम्पोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑरम। तो देखु निम्नलिखित मध्य क्या अरम कहुए अरम कहुए तो देखते ब्रोंज को ना गोल्ड को ना सिल्वर ना कॉपर। तो यहाँ आपर जनरल साइंस क्वेश्चन। तो देखो अरम क्या कहुए ना गोल्ड को कहुए देखु गोल्ड रो लैटिन नेम होची अरम आ गोल्ड आपको सिंबल पचार ए यू हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड माने यूनेस्को हेडक्वार्टर केउठारे अवस्थित। चार ऑप्शन रही मॉस्को न्यूयॉर्क लंडन पेरिस। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी पेरिस। यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड रो मुद्रा रो नाम कौन रूपी रिंगिट वाहट युआन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी भाट थाई भाट। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी भाट भाट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सॉरी दिनी इलाई वाच प्रमोटेड बाय माने दिनी इलाही गोटे धर्मटा को सीटा किए प्रमोट करते बाबर बहादुर शाह अकबर हिमायुन। तो दिन इलाही को किए प्रमोट करते तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अकबर। तो देखु दिनी इलाही को अकबर प्रमोट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। देखु पृथ्वीर बृहत्तम स्वच्छ वाटर ह्रद माने पृथ्वीर बृहत्तम फ्रेश वाटर ह्रद कौटा। तो लेक विक्टोरिया लेक ईरी लेक सुपरियर लेक ओंटारियो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेक सुपरियर। लेक सुपरियर होची पृथ्वीर सबुठारु लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सॉरी लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल। देखो कुंचिकल वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉलटा केउ राज्य रे अवस्थित केरल कर्णाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी कर्णाटक। कुंचिकल वाटरफॉलटा कर्णाटक रे अवस्थित कर्णाटक रे अवस्थित। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू व्हिच स्टेट। द मधुबनी पेंटिंग स्टाइलटा कौ राज्यर अटे ओडिशा आंध्रप्रदेश बिहार मध्यप्रदेश। तो मधुबनी पेंटिंगटा आमर बिहार रो अटे। करेक्ट आंसर होच ऑप्शन नंबर सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा। तो
देखु लोकसभा इलेक्टेड हेबापी मिनिमम एज कौन रही जड़े लोकसभा निर्वाचित लोकसभा लड़ापी तार बयस कौन हवा दरकार मिनिमम एज कौन हवा दरकार 18, 21, 16, 25 तो करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी 25 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 25 25 वर्ष हो पारे आप लोकसभा लड़ी पारे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया देखो आम देशर जातीय संगीत को किए गई रवींद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी मोहम्मद इकबाल चित्रगुप्त तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी बी इज करेक्ट आंसर देखो आमर देशर नेशनल सॉन्ग को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखी थे। तो फ्रेंड्स ये आज 30 क्वेश्चन तो आप आउट ऑफ 30 केते मार्क रखिंट नियति कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनइबे जदि भिडियो भल लगी नियत गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिका कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।